नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदेव कुमारिया और हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग हैं दुर्ग शहर में और हम लोग जा रहे हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़। और दोस्तों हम लोग क्यों जा रहे हैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं चलते चलते बताऊँगा। दोस्तों हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है हमारे छत्तीसगढ़ का। इसमें दोस्तों लाखों हजारों बच्चे इसमें अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग कौन सी गलती किए और किस गलती के कारण हमें यूनिवर्सिटी जाना पढ़ रहा है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोग वो गलती मत करना। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, और चैनल में नया हो तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन से यूनिवर्सिटी से अध्ययन किए हो और अभी कौन से यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हो दोस्तों, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हो। तो आप लोगों को मैं बहुत आभारी रहूँगा दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। दोस्तों अभी हम लोग आ रहे हैं राजनांदगांव जिला के दिग्विजय कॉलेज से। दोस्तों मैं बता दूं, मेरा दोस्त वहां पर रेगुलर पढ़ाई करता है दिग्विजय कॉलेज में, और हम लोग गए थे दोस्तों उसका रिजल्ट निकालने के लिए, लेकिन वहां पर पता चला कि उसका रिजल्ट कॉलेज में आया ही नहीं है। तो उस कॉलेज वाले ने हम लोगों को यूनिवर्सिटी में पता करने के लिए भेजा, तो हम लोग तुरंत आए और ज़रूरी भी था दोस्तों, हमें एडमिशन लेना था, इस करके हम लोग रिजल्ट निकालना ज़रूरी है करके आ गए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और दोस्तों इस विश्वविद्यालय में हम लोग पूरी तरह से गूगल मैप की सहायता लिए हैं, हम लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम लोग कैसे उठा रहे हैं, तो आप लोग भी उठाइए। दोस्तों ये है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का प्रेस द्वार, इसी को इंग्लिश में बोलें तो एंटर गेट, ठीक है। और देखिए दोस्तों इस विश्वविद्यालय में मैं पहली बार आया हूं और इस विश्वविद्यालय का मैंने फ़ोटो अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देखा था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहां पर आ जाऊंगा, आना पड़ेगा मुझे ऐसे करके। तो मेरे कारण नहीं, मेरे दोस्त के कारण आए हैं। और यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। दोस्तों आपको कभी भविष्य में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग आना पड़ जाए तो आप लोग दुर्ग आना और सिंपल से गूगल मैप में टाइप करना हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग, तो आपको यहां तक पहुंचा देगा दोस्तों, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कि हमारा रिजल्ट को क्यों रोका गया है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। तो आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर घुसना नहीं पड़ेगा, आपको बाहर में ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी पूछ रहे हैं दोस्त कि हुआ क्या है, क्यों रोका गया है हमारे रिजल्ट को। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे दोस्त का रिजल्ट को यूनिवर्सिटी ने क्यों रोका था। दोस्तों हेमचंद यादव विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा है, मुझे यहाँ पर यहाँ की सुविधाएं बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। दोस्तों हमारे रिजल्ट को इसलिए रोका गया था कि हमारे विषय में एक होता है पर्यावरण, उसमें लग गया था दोस्तों WH। और WH क्या होता है आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता ही रहा हूँ। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल दिलाते हो दोस्तों, तो हम लोग जैसे कि पिछले साल क्या दिलाए थे, एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में हम लोग दोस्तों उसमें जो प्रोजेक्ट फाइल होता है उसे जमा नहीं किए थे और एग्ज़ाम दिला दिए थे, तो इसलिए रोका गया था हमारा रिजल्ट को। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप ऐसे करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, आप प्रोजेक्ट फाइल भी जमा कीजिए और एग्ज़ाम भी दिलाइए, ऐसा करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप पर्यावरण का एग्ज़ाम दिलाते हो तो उसके साथ प्रोजेक्ट फाइल भी जमा कीजिए, नहीं तो यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट कॉलेज नहीं भेजेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पर आकर आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों ये यूनिवर्सिटी आपको 2 दिन का समय देगा, उसके बाद 2 दिन के समय के बाद आपका जब तक WH नहीं हटेगा तब तक यहाँ का यूनिवर्सिटी आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो WH हटने के बाद आप लोग यहां पर आ सकते हैं, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से समस्या का समाधान हुआ और हमें 2 दिन बाद फिर आना पड़ेगा अपना रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमें कॉलेज में अभी रेगुलर के लिए एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ओरिजिनल मार्कशीट की।
दोस्तों आप लोग भी ये गलती मत करना, नहीं तो आप लोगों को आना पड़ सकता है यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों पर्यावरण छोटा सा सब्जेक्ट होता है और 3 साल में एक बार तो एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है और एक बार प्रोजेक्ट जमा करना होता है, तो बहुत ही अच्छा है। और चलिए आप लोग हम यहाँ पर चलते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर कॉलेज के बारे में ही बता देता हूँ कि बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब रिस्क नहीं लेते, तो वो सीधा यूनिवर्सिटी को दे देते हैं कि इसने प्रोजेक्ट फाइल जमा नहीं किया है ऐसे करके, और बहुत से कॉलेज निकाल देते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और यह है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, ऐसा जा सकते हैं, इसका बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड। और ये दोस्तों हेमचंद यादव ब्रिज के नीचे है, जैसे आप लोग जाते हैं रायपुर के लिए ब्रिज, तो उसके नीचे ही है। दोस्तों अब समय हो चुका है घर जाने का, हमें बहुत लंबा सफ़र करना है, अभी हमें बालोद जाना है। मतलब दोस्तों हम लोग आए थे कहाँ, राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज। दिग्विजय कॉलेज से हम लोग यहाँ आए हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था, हमें यहाँ आना पड़ा और 2 दिन बाद फिर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत लंबा सफ़र हो गया, एक चक्कर हो जाएगा बालोद का। बालोद से निकले थे, बालोद से राजनांदगांव गए, राजनांदगांव से दुर्ग गए, अब फिर बालोद जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख, और कैसा लगता है दोस्तों ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलिए। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो किसी को बताना चाहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो मुझे पता है कि आप लोग शेयर ज़रूर करोगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सेवा, जय बुढ़ादेव।